कार्तिक मास की एकादशी को रमा एकादशी का व्रत रखा जाता है। साल की 24 एकादशियों में रमा एकादशी का विशेष महत्व होता है। इस बार रमा एकादशी का व्रत 11 नवंबर से शुरू होकर 12 नवंबर तक रहेगा। आइए जानते हैं इसकी कथा। एक नगर में मुचुकंद नाम का एक राजा था। उनकी चंद्रभागा नाम की एक पुत्री थी। राजा ने अपनी बेटी का विवाह राजा चंद्रसेन के बेटे शोभन से कर दिया। शोभन एक समय बिना खाए नहीं रह सकता था। शोभन एक बार कार्तिक मास के महीने में अपनी पत्नी के ससुराल गया, तभी रमा एकादशी का व्रत पड़ा। चंद्रभागा के गृह राज्य में सभी रमा एकादशी का व्रत नियम पूर्वक रखते थे और ऐसा ही शोभन से करने को कहा गया। शोभन इस बात को लेकर परेशान हो गया कि वो एक पल भी भूखा नहीं रह सकता, वो रमा एकादशी का व्रत कैसे करेगा। वही इस बात से परेशान हो गया और अपनी पत्नी के पास गया उपाय बताने के लिए कहा। चंद्रभागा ने कहा कि ऐसा तो आपको राज्य के बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि राज्य में ऐसा कोई नहीं जो इस व्रत के नियम का पालन न कर रहे। यहाँ तक कि इस दिन राज्य के जीव जंतु भी भोजन नहीं करते। आखिरकार शोभन को रमा एकादशी का उपवास रखना पड़ा, लेकिन पारण करने से पहले उसकी मृत्यु हो गई। चंद्रभागा ने पति के साथ खुद को सती नहीं किया और अपने पिता के घर रहने लगी। उधर एकादशी व्रत के पुण्य से शोभन को अगले जन्म में मंदराचल पर्वत पर आलिशान राज्य प्राप्त हुआ। एक बार मुचुकुंदपुर के ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए शोभन के दिव्य नगर पहुंचे। उन्होंने सिंहासन पर विराजमान शोभन को देखते ही पहचान लिया। ब्राह्मणों को देखकर शोभन सिंहासन से उठे और पूछा कि ये सब कैसे हुआ। तीर्थ यात्रा से लौटकर ब्राह्मणों ने चंद्रभागा को ये बात बताई। चंद्रभागा बहुत खुश हुई और पति के पास जाने के लिए व्याकुल उठी। वह वाम ऋषि के आश्रम पहुंची। चंद्रभागा मंदराचल पर्वत पर पति शोभन के पास पहुंची। अपने एकादशी व्रतियों के पुण्य फल का शोभन को देते हुए उसके सिंहासन व राज्य को चिरकाल के लिए स्थिर कर दिया गया। तभी से मान्यता है कि जो व्यक्ति इस व्रत को रखता है वह ब्रह्म हत्या जैसे पाप से मुक्त हो जाता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं।